हेलो फ्रेंड्स, आज बनाने वाले हैं बटर स्कॉच नट्स। तो इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून भर के बादाम ले लिए हैं और इनको हमें कूट लेना है। इनको दरदरा ही कूटना है, पाउडर में मिक्सर वगैरह में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है पाउडर करने की। देखिए, इसे दरदरा ही रखना है। 1 टेबलस्पून भर के ये हो गए हैं, आप ज़्यादा या कम ले सकते हैं, ठीक है। अभी एक थाली ली है, उसको मैंने ऑयल से ग्रीस करना है अच्छी तरीके से। ऑयल का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, अच्छे से ग्रीस करना है, इसमें कंजूसी नहीं करनी। एक पैन में 1/4 कप भर के हमें चीनी लेनी, ठीक है। 1/4 कप में काफ़ी बन जाते हैं, तो आप लोग देखिएगा। और इसे हमें सिंपली क्या करना है, लो फ्लेम में रख देना है। पैन है ये, नॉनस्टिक का है, बहुत अच्छा वाला भी नॉनस्टिक नहीं है, मतलब बस चिपक ना सके। ये नॉर्मल कढ़ाई में भी बन सकता है, जो जर्मन के हमारे कढ़ाई रहते हैं एल्यूमिनियम के, उसमें। देखिए, हमारी चीनी है ना अभी थोड़ी थोड़ी से मेल्ट हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। अभी इसको हमें अच्छी तरीके से पूरा मेल्ट करना है, फ्लेम हमेशा रहेगा नीचे। और आप लोगों को ऐसे वीडियोस देखने हैं, केक से रिलेटेड वीडियो देखने हैं, तो वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप बिल्कुल जाकर देख सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देख सकते हैं हमारी चीनी पिघल गई है इतने ही देर में। 3 से 4 मिनट मैक्सिमम लगेंगे चीनी पिघलने के लिए। जो चीनी नहीं पिघले, मैं उनको पिघला रही हूँ सेंटर में लाकर। देख सकते हैं चीनी ऑलमोस्ट पिघल चुकी है। अभी मैंने क्या करना है, फ्लेम कर दिया ऑफ, ठीक है, आंच कर दिया बंद। और 1 टीस्पून भर, आप चाहे तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास नहीं था। 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पे ले लिया है घी, और इसके अंदर डाल लिए वो बादाम का जो हमने बनाया था ना, वो इसके अंदर ऐड कर लेना है और फ्लेम को कर देना है ऑन, ठीक है। अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ मैं। आप लोग देख सकते हैं जो हमारी चीनी पिघली थी उसका कलर, और बादाम डालने और घी डालने के बाद इसका कलर। फ्लेम को कर दिया ऑन, बस अभी हमें है ना इसको बस 30 सेकेंड के लिए पकाना है, उससे ऊपर हमें नहीं पकाना है इसे, बस 30 सेकेंड तक के ही पकाना है। अब देख सकते हैं आप लोग, ये पककर रेडी है, कितना अच्छा दिख रहा है, उसकी टेस्ट काफ़ी अच्छी है। और आप इसे आइसक्रीम में, केक्स में, हर जगह यूज़ कर सकते हैं, और स्टोर करके आप महीना भर, 2 महीने तक के रख सकते हैं। फ्रिज में स्टोर करके रख देना। अभी जो ग्रेस की हुई थाली थी ना, उसके अंदर हमें ये पैन का जो सारा मिक्सचर है, बेसिकली जैसे हम चीकी वगैरह बनाते हैं ना, शेंगदाने की पपड़ी, तिल की पपड़ी, बस उसी तरीके से इसको इस प्लेट में डाल देना। बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है तो बिल्कुल भी टच मत करना। देख सकते हैं मैंने पैन से पूरा निकाल के इसके अंदर में रख दिया। इसको मेरे को है ना बड़ी ज़्यादा ही चुल रही थी, मैंने इसको पहले निकाल के देखा था, तो देखो ये निकल ही नहीं रहा था। बट 10 मिनट के बाद ये अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि ये सूख जाता है, ठीक है, कड़क हो जाती है, पूरी पापड़ी कड़क हो जाती है क्योंकि इसमें पानी ऐड नहीं किया। अभी देखो इसका आवाज़ सुनो। अभी मैंने है ना एक ऐसे पॉलीथीन जो मजबूत रहते हैं ना, उसके अंदर में भर के इसको अच्छे तरीके से पीट दिया था, इसके चंक्स बन सके। लास्ट में देखना आप चंक्स कितने अच्छे बने, देखिए।